आज मैं बना रही हूँ गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मिल्क शेक और पुणे की बहुत ही फेमस आम से बनने वाली मैंगो मस्तानी की रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा मिल्क शेक हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। आज आपको इस एक ही रेसिपी में आम, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क शेक सभी का मज़ा एक साथ आएगा। तो आज की रेसिपी है ना कमाल की। अगर आपको भी मैंगो मस्तानी की रेसिपी को ट्राई करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीताज किचन। मैं हूं पुनीता। तो चलिए आज की मेरी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के मैंगो। ये टेस्ट में बहुत ही मीठे और पके हुए हैं। गाइज, आपके पास जो भी मैंगो अवेलेबल हो आप उन्हीं का यूज कर सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे कि मैंगो को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। और स्पून की हेल्प से हम मैंगो के सारे पल्प को एक साथ निकाल लेंगे प्लेट में। स्पून से मैंगो का पल्प जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है, देख सकते हैं आप। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से हम दोनों मैंगो को छील करके कट कर लेंगे छोटे पीसेज में। तो ये देखिए, मैंने मैंगो को छील लिया है और छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम ऐड करेंगे आम के टुकड़े या पल्प जो हमने तैयार किए हैं। अब हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब हम ऐड कर देंगे 1 कप दूध बिल्कुल चिल्ड, और इनको डालकर ब्लेंड करेंगे और एक गाढ़ा शेक तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना थिक ब्लेंड हुआ है। हमें मैंगो मस्तानी बनाने के लिए ऐसा ही थिक मिल्क शेक चाहिए। अब चलते हैं मैंगो मस्तानी के इम्पोर्टेंट स्टेप में, जो है इसका प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से इसे मैंगो मस्तानी कहा जाता है। तो हम लेंगे एक टोल ग्लास और जो हमने आम के छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं वो डाल देंगे। अब हम डालेंगे टूटी फ्रूटी और चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप अपने चॉइस के कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, और बस अब हमने जो मैंगो शेक रेडी किया था वो डाल देंगे। अब लास्ट में फिर से डालेंगे 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का, आम के चंक्स और टूटी फ्रूटी से और चॉप ड्राई नट्स से गार्निश करेंगे। तो ये देखिए मैंगो मस्तानी का फाइनल लुक, लग रही है ना एकदम से अमेजिंग। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी इस औसम मैंगो मस्तानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।